सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते खैरियत होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग भी एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, आपकी 18 साल एज हो चुकी है, कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा है, तो आप लोग अगर यूनिपे क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यूनिपे क्रेडिट कार्ड क्या है और इसको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग ले सकते हैं इसको, तो आप लोग को पूरी फुल प्रोसेस इस वीडियो में बताई जाएगी और पूरी रिव्यू मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको यूनिपे क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यूनि क्रेडिट कार्ड क्या है और यूनि कार्ड क्या है, इसकी सब्सक्रिप्शन फी क्या है, इसकी मंथली चार्जेस क्या है, तो पूरी हम यहाँ पे प्रोसेस आपको बताएंगे और रिव्यू करके आपको देंगे। तो इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग का कोई भी क्वेश्चन आंसर तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि यूनिक क्रेडिट कार्ड क्या है, यूनिक कार्ड कैसे लेना है और कौन लोग इसको ले सकते हैं। तो चलिए इसके वेबसाइट पे चलते हैं और वहीं पे आपको बताते हैं यूनिक कार्ड किन किन लोगों के लिए एलिजिबल है और कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके वेबसाइट पे चलते हैं। तो आ चुके हैं इसकी वेबसाइट पे। यूनिक कार्ड कुछ ऐसा आप लोग को दिखाया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ये कार्ड यूनिक कार्ड है, यूनिक कार्ड इसे ही कहा जाता है। सो गाइस, तो यहाँ पे मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं, यूनिपे 1/3 कार्ड है। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम आप पेमेंट लो और फिर 3 टाइम में इसको पेमेंट करो, मतलब 3 टाइम के लिए आपको 3 मंथ के लिए यहाँ पे टाइम मिलता है, 3 मंथ में आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैं बता दूं, 1% का पर मंथ अगर पे करते हो आप तो 1% का आप लोग को यहाँ पे कैशबैक भी मिलेगा, 1% का कैशबैक रहता है। तो इसको लेना है तो सबसे पहले इसकी प्रोसेस हम जान लेते हैं। यहाँ पर फिर यहाँ पर जो है कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पर देख सकते हैं यूनिपे 1/3 कार्ड लिखा गया है। यहाँ पे इट इज डिफरेंट, इट इज यूनिक कार्ड, यहाँ पे जो है पावरफुल कार्ड लिखा गया है। यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग पेमेंट ले तो पे ऑन मंथली स्पेंड इन 3 पार्ट्स ओवर मंथ 3 मंथ, यहाँ पर जो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक है। यहाँ पे 3 मंथ से ज्यादा भी हो जाता है तो इसको EMI में आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसकी कोई भी चार्जेस नहीं लगाई जाएगी 3 मंथ तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए पे इन 3 पार्ट्स में आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप लोग एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, यहाँ पर जो जैसे कि मैंने 15,000 रुपए का लोन लिया, इससे 15,000 रुपए में पार्ट वन में मुझे उसी टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब उसी मंथ जिस मंथ में मैं लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 15,000 रुपए का इससे अमाउंट स्पेंड किया तो 15,000 रुपए की जो EMI जनरेट होगी दोस्तों, फर्स्ट टाइम यहाँ पे पार्ट वन में होगा, उसी मंथ में जिस मंथ में आप यूज करोगे उसी मंथ में फर्स्ट EMI इसकी देनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे 2 पार्ट में देना पड़ेगा दूसरे महीने। जैसे अभी यहाँ पे फरवरी है तो मार्च अप्रैल यहाँ 3 EMI बनती है, तो पहली EMI जो मान लीजिए कि मैं फरवरी में लेता हूँ तो फरवरी की मैं मुझे जो है फरवरी में ही पेमेंट कर देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद मार्च में, फिर अप्रैल में यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर पेमेंट हो चुका है, यहाँ पर आप देखिए 3rd पेमेंट है, 3 स्टेप यहाँ पे क्लियर हो चुका है पेमेंट। यहाँ पर नीचे की साइड में आते हैं तो और भी बताया गया, यहाँ पर देखिए 1% रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा फुल पेमेंट करने के बाद। यहाँ पर जो है पर मंथ आप पेमेंट कर देते हो 30 दिन के अंदर में, तो यहाँ पे 1% का आपको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, कैशबैक भी दिया जाएगा पर पेमेंट में, मतलब कि हर मंथ के पेमेंट में आप जैसे पेमेंट करोगे तो 1% का आपको कैशबैक भी दिया जाएगा। और यहाँ पर नीचे की साइड में स्पेंड करते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे की साइड में स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर 3rd आता है, 1 से 3rd EMI यहाँ पर बनाई जाती है, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो है कमिंग सून लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कौन से भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है इसमें दिखाया गया है, यहाँ पर EMI प्लान्स ऑफ 6 मंथ 9 मंथ 12 मंथ 18 मंथ, ठीक है, मतलब मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको टाइम मिलता तो 18 मंथ की EMI आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो है इसको आप लेना कैसे, तो यहाँ पर अपना पहले जो है आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोडिंग करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोडिंग करते हैं और कैसे इसमें अप्लाई करते हैं वो अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, ये वीडियो में नहीं बता सकता ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे इस एप्लीकेशन को आप लोग जो है यहाँ पर डाउनलोडिंग करिएगा, डाउनलोडिंग करने के बाद ये चेक एलिजिबिलिटी किया जाएगा आप लोग का कि इस कार्ड के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, अपने एड्रेस पिन पे या कुछ ऐसा ही डाल के, तो मैं अगली वीडियो में पूरी फुल प्रोसेस बताऊंगा। फिर आपका कंप्लीट प्रोसेस होगा, यहाँ पे KYC कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद से आपका कार्ड जनरेट किया जाएगा, ठीक है। ये पावर बाय वीज़ा कार्ड रहेगा, पावर बाय वीज़ा के तौर पर ये कार्ड मिलेगा आपको। यूनिपे 1/3 कार्ड के नाम से एक्सेप्टेड, यहाँ पे 99.90
99% यहाँ मर्चेंट पे, यानी जहाँ भी आप जाते हैं ठीक है, हर जगह पे ये कार्ड एक्सेप्ट रहेंगे। डेबिट कार्ड के जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एक्सेप्टेड रहता है, जहाँ भी वहाँ भी ये कार्ड एक्सेप्ट रहेगा। जहाँ भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट किया जाता है, वहाँ पे ये आपको कार्ड यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा पूरी ऑल ओवर इंडिया में या पूरी वर्ल्ड में कहीं भी ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पेंड यहाँ पे बताया गया है, स्पेंड आप कर सकते हैं पे वन थर्ड कार्ड यहाँ पे ठीक है, वन पेमेंट आप ले सकते हैं, थर्ड मंथ में आपको इसको पेमेंट करना है। जैसे स्लाइस क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, बस सेम ऐसा ही प्रोसेस है स्लाइस कार्ड जैसा है, मैंने वीडियो में बताया। स्लाइस पे कार्ड अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग ले सकते हैं, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो बस इतना ही था दोस्तों, इसको अप्लाई कैसे करते हैं और इसके बारे में बता दूं दोस्तों, इसके बारे में हम बता दें ठीक है। तो इसमें जो है आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कितना मिलेगा, तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपको एलिजिबल कितने के लिए हैं आपके पैन कार्ड, और इसमें सिविल स्कोर के बेस पे आपको कार्ड ये दिया जाएगा। आप जो भी अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे दोस्तों, वो आप लोग के सिविल स्कोर के बेस पे आपको मिल जाएगा, तो आपको फिगर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप लोग अपने सिटी में, अगर आपके सिटी में अवेलेबल है, तो आप एक बार ये जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं अगली वीडियो में बताऊँगा आपको अप्लाई कैसे करते हैं यूनिक क्रेडिट कार्ड को। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसकी कोई भी यहां पर जो चार्जेस नहीं है पर मंथ की, कोई भी सब्सक्रिप्शन फी नहीं है, ये चार्जेस नहीं है, कोई भी मंथली या एनुअल चार्ज नहीं है यहां पे। फर्स्ट टाइम भी जो है यहां पर कोई भी चार्ज आपको नहीं दिया जाता है। यहां पर जो है नो कॉस्ट यहां पे ईएमआई रहती है ठीक है, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट यहां पे रहती है, कोई भी आपको जो एडवांस चार्जेस नहीं लिया जाता है। आप लोग को जितना अमाउंट स्पेंड करते हैं उतना अमाउंट पे करना पड़ता है, कोई भी इसकी ओवर ड्यू चार्जेस नहीं है। तो यहां पे आप लोगों को मैं बता दूं, इसकी जो कोई भी यहां पर जो चार्जेस अभी तक नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी, अगर नहीं पसंद आई तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। उस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल्स में बनाई है, तो उस वीडियो को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि उस वीडियो को आप लोग देख सके। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।